आज विधानसभा का घेराव करने वाले हैं शिक्षक, क्या कुछ और अधिक जानकारी? और ऐसे में जो नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था, 13 फरवरी है और सुबह से ही पटना में लगातार शिक्षकों का जो काफिला है वो लगातार पहुंच रहा है और देख सकते हैं कि अब गर्दनी बाग में किस प्रकार से सभी गोलबंद हुए हैं। यहां से विधानसभा की दूरी महज 150 मीटर है और 150 मीटर के आसपास में जो है पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ जो है बैरियर के इस पार टीचर हैं, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में यानी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और लगातार अलग अलग जिलों से जो शिक्षक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। सक्षमता परीक्षा के विरोध में ये मार्च है, यानी जिस प्रकार से नियमावली तैयार की गई है उसमें बदलाव या फिर परीक्षा वापस लेने को लेकर ये आंदोलन है। क्या कहेंगे आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए? पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों ने बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार जब तक हमारा मांग नहीं मानेंगे तब तक पूरे बिहार के चक्का जाम रहेगा और शिक्षक रोड पर रहेंगे। ये बताइए कि प्रशासन भी तैयारी में है, क्या आप लोगों को कार्रवाई का भी डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, कार्रवाई करने का डर होता तो इतना शिक्षक जनसभा पटना के धरती पर नहीं आता। हम लोग चुनौती दिए सरकार को, जो भी कदम आप उठाइएगा हम उसको सहने के लिए तैयार है, बिना हक लिए यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। जहाँ तक प्रशासन की बात है मैं प्रशासन को चुनौती देता हूँ, जेल तक के क्रांतिकारियों के लिए है, वह मेरे लिए तीर्थधाम है, इसलिए वहां जाने के लिए तैयार है लेकिन कदम पीछा नहीं होगा। एक बार और मांग बताइए, क्या डिमांड है? डिमांड है हम लोगों का कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दीजिए, क्योंकि हम लोग दक्षता और पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, विगत 20 वर्षों से हम लोग सेवा देते आए हैं और सरकार के द्वारा 60 साल के लिए अस्थायी हमारा नियुक्ति किया गया था। कब तक है ये आंदोलन, आज के लिए है या फिर अभी जारी रहेगा? इसके लिए शिष्टमंडल के लोग सब लोग एकत्रित होकर शाम को निर्णय लेंगे। एकमात्र है मांग हमारी, हमारी जो सक्षमता परीक्षा के नाम पर राज्य के 4.5 लाख नियोजित परिवार को ठगने का काम कर रहे हैं इसके विरोध में है। शिक्षक पढ़ने और पढ़ाने से नहीं भाग रहे हैं, आपने जो गलत नीति का प्रयोग किया है इसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम मांग करते हैं आप जो तुष्टिकरण का राजनीति कर रहे हैं, आप जो वोट का राजनीति कर रहे हैं, बंद कीजिए और जब तक हमारी मांग नहीं मानिएगा तब तक किसी चिंता नहीं लगता के साथ। ये आक्रोश है और इस आक्रोश को हम लगातार दिखा पा रहे हैं कि गर्दनी बाग में किस प्रकार से बिल्कुल रजनीश, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में शिक्षक यहां पहुंचे हुए हैं। पहले से ही दावा किया जा रहा था कि लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। अब प्रशासन भी काफी अलर्ट है, उसको लेकर क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए जिला प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर जो है मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, इसके साथ साथ कई थाने की पुलिस और पुलिस लाइन से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है कि किसी प्रकार का अगर उग्र प्रदर्शन होता है तो प्रशासन तैयार है। हालांकि जो शिक्षक हैं वो भी मानने को तैयार नहीं है कि प्रशासन जिस प्रकार से कार्रवाई करे हम लोग बैकफुट पर नहीं आएंगे जब तक कि सरकार जो है नियमावली में संशोधन नहीं करती है, बदलाव नहीं करती है। कैमरामैन दीपक, एक बार आप पैन करके दिखाइए कि गर्दनी बाग के दोनों छोर यानी हॉस्पिटल की तरफ और थाने की तरफ किस प्रकार से शिक्षकों की भीड़ जो है लगातार उमड़ रही है और राज्य भर से, हालांकि मौसम बहुत बेहतर नहीं है, सुबह से ही हल्की बूंदाबूंदी बारिश हो रही है, बावजूद जो शिक्षक हैं वो अपनी मांग को लेकर राजधानी पहुंच गए हैं। एक तरफ सदन जो है आज से जो है पूर्ण रूप से चलेगा और सदन में तमाम जो नेता हैं उनसे ये लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जिस प्रकार से ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की जा रही है, ऑफलाइन परीक्षा की मांग की जा रही है, उस पर किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है और पौने 4 लाख शिक्षक जो है सरकार की तरफ से कोई पहल की जा रही है उसको लेकर कुछ अपडेट? देखिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, हालांकि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया गया क्योंकि पाठक के द्वारा और डीओ के द्वारा चिन्हित भी किया जा रहा है। आज किसी भी जिले में शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, बावजूद शिक्षक जो है बड़ी संख्या में अपने अपने जिले से पटना पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं अब जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षक जो है तैयार दिख रहे हैं और गर्दनी बाग से विधानसभा तक मार्च करने के लिए पूरी योजना बना लिए हैं। हालांकि देखना होगा कितने बजे तक निकलने वाले हैं सभी शिक्षक।
देखिए 11 बजे का समय दिया गया है, जब यहाँ से ये लोग हजारों की संख्या में दावा है कि हम लोग विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और घेराव करेंगे। पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए रजनीश, क्योंकि काफी संख्या में शिक्षक जो हैं वो अब पहुंच चुके हैं गर्दनी बाग पर, इन सभी के भी मौजूदगी, और यहाँ से सीधे विधानसभा के मार्च के लिए लोग निकल जाएंगे, विधानसभा का घेराव करना है।